हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ कोकोनट चॉकलेट केक, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज बताने वाली हूँ बिना किसी झंझट के। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक हमें बोल लेना है ऐसा, और उसके ऊपर ये हमें छन्नी रखनी है। इसमें हमें, मैं आपको आसान तरीके से बता रही हूँ, इसलिए ये एक बॉल में मैदा लिया है, इसको हमें इसमें छानना है। इसी क्वांटिटी की सेम शुगर और थोड़ा इससे कम कोकोनट पाउडर। तो पहले हम मैदा और ये कोको पाउडर इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसको हमें छान लेना है ऐसे। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है फ्रेंड्स, तो बिना कोको पाउडर के भी ये कोकोनट केक बन सकता है। लेकिन ये क्या होता है, कोको पाउडर से बच्चे शौक से खा लेते हैं, इसे चॉकलेट केक को पसंद करते हैं, बच्चे स्कूल ले जाना पसंद करते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें ये हमने कोकोनट पाउडर लिया है, कोकोनट मार्केट में ऐसा आता है ये घिसा हुआ, इसको हमें इसमें मिक्स करना है। ये हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 2 पिंच बेकिंग सोडा, इसको मिक्स करना है। एक बाउल लेना है हमें ऐसा, उसमें मेल्टेड बटर डाल देना है। अगर आपके पास मेल्टेड बटर नहीं है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आप इसके बदले रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें जो हमने ये शुगर ली थी, इसमें धीरे धीरे वो ऐड करनी है। ये हमने बटर और शुगर दोनों को मिला दिया है। अब ये हम इसमें, ये हमने 1 कप दूध लिया है, वो इसमें धीरे धीरे डाल के हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अब ये देखिए, हमने मिक्स कर दिया है इसमें बटर, शुगर और मिल्क डाल के, ये हमारा ऐसा हो गया। अब इसमें जो हमने मिक्स कर रहा था ये केक का, इसको इसमें मिक्स कर देना। इसको धीरे धीरे मिक्स करना है, तेज़ हाथ नहीं चलाना, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पहले से इसमें डाल चुके हैं। ये देखिए मिक्स हो गए, कुछ इसकी ऐसा हो गया है। इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़े तो थोड़ा मिल्क और बाद में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमें 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल देने। कुछ नहीं हुआ, देखिए ये कुछ इस तरह से होना चाहिए केक के लिए। हमें कि केक का ऐसा लेना है टिन, और इसमें 2 बूंद बटर, या आप ऑयल से इसको ग्रीस कर लें, या बटर पेपर अगर आपके पास है तो उसको यूज़ कर लें, तो उससे तो अच्छा कुछ। थोड़ा सा हमने इसमें मैदा डाल के हमें ऐसा इसको ग्रीस करना है। ये अभी हम इसमें डाल देते हैं अपना सारा मिक्सर। अब हमें इसको कैसे दोबारा टैप करना है। और चलिए अब हम अपने ओवन की तरफ चलते हैं, जो हमने प्री हीट कर रखा है 180 डिग्री पर। हमें इसे 180 डिग्री पे सेट करना है 10 मिनट के लिए। अब हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। टाइम पूरा हो चुका है, हमने इसको चेक कर लिया है, हमारी टूथपिक बिल्कुल ड्राई निकली है। अब हम इसको ओपन करते हैं। अब ये देखिए हमारा केक तैयार हो चुका है, हम इसमें टूथपिक डाल के आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। और ये केक टिन मैंने ऑनलाइन लिया था, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। आप चाहें तो इसको, ये देखिए ये ऐसा है, इसका रिंग निकल जाता है आसानी से। ये देखिए कितना परफेक्ट केक तैयार हुआ है, कितना स्पंज, ये देखिए। इसलिए मैंने आपको आसान तरीके से बताया था बाउल की हेल्प से, ताकि आपको ये ना लगे कि मतलब जो पहली बार बना रहे हैं
फर्स्ट टाइम केक तो उनके समझ में नहीं आता कितनी क्या क्वांटिटी लेनी है, इसलिए मैंने इक्वल बाउल से आपको ये केक का रेसिपी बताई थी। ये बच्चों के लंच बॉक्स में आप दीजिए, आप एंजॉय करिए चाय के साथ।